हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए हम कौन कौन सी ऐसे 5 सप्लीमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। वैसे तो अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीनेशन, कोई भी एंटीडोट, दवाई, मेडिसिन कुछ भी नहीं मार्केट में आया है, ना ही इसका कोई अपडेट है फ्यूचर में ये कब तक आ पाएगा, तो हम उसके भरोसे नहीं रह सकते। हमें अपनी तैयारी स्वयं करनी पड़ेगी, हमें अपनी रक्षा भी स्वयं करनी पड़ेगी। एक बार अगर आप किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पर्सन के संपर्क में आ गए तो उसके सिर्फ छूने से, छींकने से, खांसने से आप भी संक्रमित हो सकते हैं। तो अपने आप को आपको स्वयं बचाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मास्क लगाना तो ज़रूरी है, अपने हाथों को धोते रहिए और आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता गलती से भी आपको ये संक्रमण हो जाता है तो उसके बाद आपको आपकी जान बचाने के लिए आपके शरीर के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वही काम कर सकता है, वही आपकी जान बचा सकता है। दूसरा कोई उपाय अभी फिलहाल नहीं है। आपके अंदर का इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा आप उतना ज़्यादा इससे फाइट कर सकेंगे, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा आपका साथ दे सकेगी। तो इसके लिए आप 5 ऐसे सप्लीमेंट मैं आज आपको बता रहा हूँ जिसे लेने के बाद आपके अंदर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जो भी बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उन्हीं लोगों की अभी तक मौतें हुई हैं। तो इसलिए आपको ये सप्लीमेंट ज़रूर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप नज़दीकी मेडिकल स्टोर से भी ले पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट है नोनी जूस। साल 2003 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बनाई गई एक टीम ने इसके ऊपर रिसर्च किया था। उसके बाद उन्होंने ये पाया था कि नोनी जूस एक सुपर फूड है। उन्होंने ये बयान खुद दिया था मीडिया में आके और ये कहा था 21वीं सदी में ये बहुत ही ज़्यादा मनुष्यों की हेल्प करने वाला है। इसे लेने के बाद आपके शरीर में ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स की सारी कमियाँ दूर हो जाती हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग तो होता ही है, साथ में कैंसर के सेल्स को मारने के लिए भी काम करता है। और इस कैटेगरी में दूसरा सप्लीमेंट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना भी एक सुपर फूड है। इसको लेने के बाद आपके शरीर को जितने भी मल्टीविटामिन, विटामिन्स, खनिज की ज़रूरत पड़ती है इस समस्त संसार के अंदर इससे टक्कर लेने वाला दूसरा सप्लीमेंट कोई आज तक बना ही नहीं है। इसके अंदर इतने सारे विटामिन्स होते हैं, ऐसा कोई भी विटामिन या मिनरल्स नहीं होता जो इसके अंदर नहीं पाया जाता। इनफैक्ट इसमें तो प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसे लेने के बाद भी आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। इस कैटेगरी में थर्ड हमारा सप्लीमेंट है आंवला। आंवला आप कच्चा भी खरीद के खा सकते हैं, अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आंवला को अमृत के समान माना गया है। हमारे ग्रंथों में भी इसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। इसे लेने के बाद भी आपके शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है। और चौथे नंबर पे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई है कि ये सप्लीमेंट लेने के बाद आप कोरोना वायरस से बच सकेंगे, आपको नहीं होगा, उस लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हो जाता है, अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो आप अपनी जान बचा सकें अपनी इम्यूनिटी के बल पर, इसलिए ये वीडियो बनाई है, ना कि आपको भ्रमित करने के लिए। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित मत हो जाइएगा कि मैं आपको जड़ी बूटी क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। इस जड़ी बूटी का नाम है चिरौता। बहुत सारे लोग इसे सागा चिरौता के नाम से भी जानते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट करता ही है, साथ में आपके ब्लड को भी अंदर से प्यूरीफाई कर देता है, जिससे आपको चेहरे पे कभी कील मुहासे की दिक्कत नहीं होती है और आपको जो बुखार होता है ना, बुखार आपसे कोसों दूर हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। और नंबर 5 पे आता है ओजीविया का इम्यूनिटी बूस्टर सुपर फूड। इसे लेने के बाद में आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसे लेने के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये आपके शरीर को प्रोटीन पहुंचाता है, विटामिन पहुंचाता है, आयरन पहुंचाता है, मिनरल्स पहुंचाता है। सारे खनिज, मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन आपके शरीर को मिल जाते हैं, जिससे आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है अंदर से। और मेरी आप लोग को एक यही सलाह रहेगी, आप जितना हो सके घरों में का खाना खाएँ, ज़्यादा फ्राई मसालेदार खाना ना खाएं, फलों का इस्तेमाल करें। आप जितना ज़्यादा कच्चे फलों का इस्तेमाल करेंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो तो इसे आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी फैमिली और फ्रेंड के साथ में, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें।
और जो भी मैंने आपको अभी तक प्रोडक्ट बताए हैं, इस सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके एक बार चेक जरूर कर लें। आपको अगर लगे कि आपको जरूरत है तो आप इसे मंगवा भी सकते हैं। अगर आप बी हेल्दी इंडिया पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।